नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार महा एक्सपेरिमेंट के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम पबजी वाला स्मार्ट बनाने वाले हैं। कुछ इस तरह से दिखता है ये पबजी वाला स्मार्ट, ये M18 लिखा हुआ है इसमें, तो इसी को आज हम बना के देखने वाले हैं। कुछ इस तरह से ये दिखेगा मिलता जुलता इससे, तो इसके लिए हम इस भूटानी कैन का जो खाली कैन है हमारे पास, तो उसका यूज़ करेंगे हम। उसको ज़्यादा हमें इसकी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो देखो इसको मैं ऊपर से चॉकअप किया हूँ और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है ये। दोस्तों सभी एज ग्रुप के लोग पबजी को खेलना पसंद करते हैं। पबजी आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गया है, हालांकि अभी इंडिया में बैन है, लेकिन फिर भी लोग जुगाड़ करके खेल ही लेते। तो देखो इसके ऊपर मैं पेपर ऐसा लपेट लिया हूँ, इसको अभी हम कलर करेंगे क्योंकि हमें इससे पूरा पबजी वाला फील लाना है, तो इससे हम कलर करेंगे। तो चले पहले हम इसका मसाला बना लेंगे, यानी कि इसका फ्यूल बनाना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए मैं पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ करूँगा। तो और भी हमें दो तीन चीज़ें लगेंगी, शुगर लगेंगी हमें, ये PCB शुगर है तो ये भी हमें चाहिए होगी। टोटली हमें तीन चीज़ें चाहिए। ये शुगर है PCB, एकदम मिक्सी में से इसे पीस लिया हूँ मैं, और ये है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, और देख सकते हैं ये है बेकिंग सोडा जो घर में जनरली अवेलेबल होता है इजीली। ये जो दो चीज़ें चीनी और बेकिंग सोडा इजीली अवेलेबल होता है, सिर्फ आपको पोटेशियम नाइट्रेट अमेजोन से परचेस करना पड़ेगा, जिसकी कीमत लगभग 200 के आसपास आती है। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में, मतलब कितना ग्राम तक लेना चाहते हैं। 500 ग्राम का लेंगे तो 250 रुपये के आसपास आएगा। तो इसका जो रेशो रहेगा फ्रेंड्स, इसका जो रेशो हमें रखना है 50-40-20 रखना है। यानी हम अगर पोटेशियम नाइट्रेट के 3 चम्मच डालेंगे तो हमें शुगर डालनी है 2 चम्मच, और जो बेकिंग सोडा है वो यूज़ करना है हमें 1/2 चम्मच। तो इस हिसाब से हमें इसका मिश्रण बनाना होगा ताकि ये जो इसका हम फ्यूल बनाएंगे वो अच्छे से एकदम वर्क करे। तो चलिए मैं इसे ऐड कर रहा हूँ। देखो मैं अभी शुगर ऐड कर रहा हूँ, मैंने पहले ये पोटेशियम नाइट्रेट ऐड कर लिया हूँ, और बाद में अगर मेरे को लगता है, मैंने आपको ये बता दिया है इसका जो रेशियो है वो बता दिया है, अगर मतलब अपने को टोटली 100 ग्राम इसका पूरा फ्यूल बनाना है तो हमारा जो 50 ग्राम से वो पोटेशियम नाइट्रेट रहेगा, 40 ग्राम शुगर रहेगा, और लगभग 10% हमारा जो है वो बेकिंग सोडा रहेगा। तो इस हिसाब से आपको ये इसका मिश्रण बना लेना है, ठीक है। तो देखो मैं पूरा इसको अभी मिला लूँगा, एकदम अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगा ताकि ये अच्छे से एकदम घुल जाए इसमें। तो चलिए इसको मैं मिक्स कर लेता हूँ फटाफट। बाद में ये जो पूरा मिश्रण है अभी रेडी है हमारे कैन में जाने के लिए। इससे पहले हमें एक फ्यूज चाहिए, तो हम इस सुतली का फ्यूज़ यूज़ करेंगे। इसे नाजी सुतली पता नहीं क्या क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे, तो इसे सुतली कहते हैं। तो चलिए हम सुतली का फ्यूज़ निकाल लेंगे और हमारे से लगा लेंगे। तो देखो मैं निकाल लिया हूँ इसे, कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें इसे फिक्स कर देंगे और एक जुगाड़ू मैकेनिज्म तैयार करेंगे ताकि इसे जलाने में हमें आसानी हो। तो चलो थोड़ी सी सैंड हम कैन में ऐड कर लेंगे क्योंकि कैन काफ़ी बड़ी है और फ्यूल काफ़ी कम है, तो इसलिए हम थोड़ी सी सैंड ऐड कर लेंगे इसमें ताकि जो फ्यूल है थोड़ा कम लगे। तो चलिए कैन में ऐड कर लेते हैं फ्यूल को फटाफट से, ठीक है। जो फ्यूल है हमने डाल दिया है इसमें, अभी देखो पूरा फ्यूल इसमें आ चुका है। तो चलिए जो फ्यूज़ है हम सुतली का यहाँ पे लगा देंगे और इसको दबा देंगे थोड़ा अच्छा सा, और ऊपर से कुछ कागज़ या कुछ भी हो आप इसे लगा सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए ये कागज़ हम इसमें ठूस देते हैं ताकि इसमें जो फ्यूल डाला है हमने वो बाहर ना आए। बाद में जो माचिस की तीली होती है उसका गुल थोड़ा सा हमें इसमें ऐड करना होगा ताकि थोड़ा जल्दी से आग पकड़ ले। तो चलिए एक थोड़ा सा माचिस का जो गुल है वो ऐड कर लिया है इसमें हम, क्योंकि इससे क्या होगा जो ये हमारा हमने जो भी बनाया है मिश्रण उससे आग जलने में आग लगाने में आसानी हो। तो चलिए अभी हम ये रिंग बना लिया है, एक देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे ये फिक्स होंगी, तो इससे क्या होगा जो हम इससे खींचेंगे तो ये जल जाएगा। तो चलिए एक और इसकी कैप बना लेंगे हम, कुछ इस तरह से कैप बना ली मैंने। तो देखिए इसको चिपकाने के लिए मैं बॉन्ड का यूज़ करूँगा, एक तरह का फेविकिक ही है, आप किसका भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए जो माचिस को जलाने वाला हिस्सा होता है वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे 2-3 तीलियाँ लगा देंगे माचिस की, जिससे क्या होगा कि हम ये जो रिंग खींचेंगे तो इसमें एक चिंगारी जनरेट होंगी और जो फ्यूज़ लगाया हमने उसको आग लग जाएंगी। यहाँ पे से हम एक रबर लगा देंगे ताकि जो मैकेनिज्म है वो बाहर ना आए। तो कुछ इस तरह से लग रहा है अभी, तो यहाँ पे हम इसे फिक्स कर देंगे और बॉन्ड की सहायता से इसको चिपका देंगे। तो चलिए मैं इसे बॉन्ड की सहायता से चिपका लिया हूँ, और अभी देखिए कुछ इस तरह से ये अच्छा सा दिख रहा है, एकदम बढ़िया सा दिख रहा है फ्रेंड्स ये। तो चलिए अभी इसे हम कलर कर लेंगे। कलर करने के लिए हमें स्कूल वाले स्केच पेन का यूज़ करेंगे जो लगभग 1-2 रुपये में आता है, ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। तो देखो इसको इस तरह से हम कलर कर देंगे,
चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कलर करने के बाद ये काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है। अभी हमें यहाँ पे लिखना है M18 लिखना है, तो चलिए हम वाइटनर से इसमें M18 लिख देंगे। M18 पता नहीं M18 वो स्मोक पे क्यों लिखा हुआ रहता है, लेकिन उससे मतलब वो पबजी में है ना लिखे हुआ, इसलिए मैं भी लिख दिया हूँ। बाद में टेप लगा देंगे इसको सफ़ेद वाला यहाँ से, फिर इससे थोड़ी रेयल टाइप वाली फीलिंग आएंगी हमको। तो देखिए कुछ इस तरह से लग रहा है अभी, ये अभी रेडी है जलाने के लिए फ्रेंड्स। तो दोस्तों अभी से हम जला के देखने वाले, इसे हम ये पिन खींचेंगे अभी। तो चलिए मैं इसकी पिन खींचता हूँ, तो देखते हैं जलता है नहीं। ओह माय गॉड, देख सकते हैं कैसी हालत हो गई हमारी कैन की। हमने एस्केप नहीं किया था कि ऐसी कैन की हालत हो जाएंगे यार, लोहे की थी तो काफ़ी गर्म हो चुकी है। तो पकड़ने के लिए पत्तियाँ यूज़ किए मैंने। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपने काफ़ी इन्जॉय की होंगी, मज़ा आ गया होगा आपको। कुछ मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।